देवरानी कलम लड़े चाहे लड़े देवरानी कलम लड़े चाहे लड़े देवरानी मैं तो नाचूंगी मैं तो नाचूंगी मैं तो नाचूंगी घूंघट खोल रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे तेरे गले पर रसिया तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे गले पर 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 रसिया नाचूंगी तेरे दरबार रसिया मैं तो 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 नाचूंगी तेरे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की राशि बिहारी सरकार की हो। तो आज श्री कृष्ण कन्हैया जी ने समस्त गोपियों को रास लीला का आनंद भगवान दिलाने लगे। अब जब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया उन गोपियों के मध्य में नृत्य करने लगे तो जो गोपियां नृत्य कर रही थी तो उन गोपियों के मन में थोड़ा सा क्या आ गया, अहंकार आ गया, अभिमान आ गया। अभिमान क्यों आ गया? अरे बोले महाराज देखो तो इसको लोग कहते हैं कि ये सारे भूमंडल का सारे जगत का पिता है सारे जगत का पति है और इस अखिल ब्रह्मांड का नायक है और आज देखो हमारे प्यार में हमारे प्रेम में पागल होकर हमारे साथ नाच रहा है। तो जैसे ही उन गोपियों के मन में ये भाव उत्पन्न हुआ तो भगवान ने कहा कि ये जो गोपियां हैं ना ये जो गोपियां हैं ना इन गोपियों के मन में इतना अभिमान कैसे आ गया? क्योंकि गोपी के मन में अभिमान प्रेम में अभिमान को कोई स्थान है ही नहीं। लेकिन ये गोपियों का जो अभिमान है ये हम सबको ये दिखाता है कि प्रेम तो करो परंतु अगर जरा सा भी अभिमान आ गया तो भगवान की भक्ति कुछ नहीं है, उस अभिमान से बेकार है। अब गोपियों को जैसे ही अभिमान आया भगवान ने सोचा कि इन गोपियों के मन में जो अभिमान का बीज पड़ा है ये बीज वृक्ष का रूप धारण ना कर ले, इसके पहले इस अभिमान को तोड़ देना चाहिए। और भगवान उस असंख्य गोपियों के मध्य से अदृश्य हो गए। अब जैसे ही भगवान अदृश्य हुए तो भगवान कहा गए कृष्ण कन्हैया राज बिहारी सरकार हमें जो परम आनंद दे रहे थे अभी अरे हम कितनी अधम हैं कितनी मूढ़ है गोपी जो हमने उस बाकी बिहारी का स्वागत करने की बजाय अभिमान के कारण ये मन में सोच लिया हमने ये मन में सोच लिया कि वो सारे जगत का नियंता सारे जगत का कल्याण करने वाला प्रभु हमारे बीच में नाच रहा है और प्रभु का तो कुछ पता ही नहीं वो हमारे बीच सदृश हो गए। सारी गोपियां पागल हो गई, यमुना के पास पहुंची। हे यमुना मैया आपको बारंबार प्रणाम है, आपने हमारे कृष्ण कन्हैया को कालिया नाग को नाथने गए थे तो वापस लौटा दिया था। हे यमुना मैया अगर आपने हमारे कन्हैया को देखा हो तो हमें हमारे कृष्ण लौटा था। हे लता वेद पत्रों कदम के वृक्षों से निधिवन में वृंदावन में तुलसी के वृक्षों से सारी गोपियां अधीर हो गई, अश्रु प्रवाहित होने लगा,
मेरे कन्हैया को बता दूं, मेरे कृष्ण हमको छोड़कर चले गए। व्याकुल हो गई वो गोपी, अधीर होकर पुकारने लगी। और जब फिर भी भगवान प्रकट नहीं हुए तो उन गोपियों ने 19 श्लोकों में भगवान को प्रकट करने के लिए एक बड़ा सुंदर भाव गीत गाया। जयती ते धिकम जन्मना ब्रजा प्यारे कृष्ण, हे मुरली मनोहर, हे कालिया का मान मर्दन करने वाले मेरे गोविंद, कालिया के मस्तक पर अभिमान था, हे मुरलीधर कन्हैया, आपने उसके मस्तक पर चरण रखकर उस महान अभिमानी कालिया का अहंकार दूर कर दिया। हे गिरधारी, ऐसे ही हमारे हृदय में जो अभिमान, जो अहंकार का बीज आया है, हे गोविंद, ऐसे हम पापी, अधर्मी, अधम और मूर्ख जो गोपियां हैं, हम आपके उस महत्व को, उस प्रेम को समझ ना सके। हम कितनी ना समझ हो गई कि अपने प्रियतम को, अपने प्रियाजन के लिए हमने ऐसा अभिमान, जिस हृदय में प्रेम का अथाह सागर होना चाहिए, ऐसे गोविंद को हमने उस प्रेम में डुबाने की बजाय अपने हृदय में अभिमान प्रकट कर लिया। हे प्रिया प्रियतम, हे श्री राधा राधा, ऐसी कृपा करो कि हमारे श्री किशोर भगवान श्री कृष्ण, वो गिरधारी और राज बिहारी आकर हमारे हृदय में चरण रखकर हमारा कल्याण करे, हमें पुनः फिर उसी सुंदर महाराष्ट्र में प्रवेश कराए।
आज जब गोपियों का वो अथाह प्रेम अनन्य प्रेम देखा प्रभु ने, तो भगवान उस मध्य राश में गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, राश बिहारी सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की। हे गोपी, तुम्हारे स्वभाव को देखकर मैं इतना मंत्रमुग्ध हो गया, इतना प्रसन्न हो गया कि अभी तो मैंने केवल राश का आनंद दिया, अब आज मैं तुमको वो परम आनंद, वो परम तेज जो मेरी सभी लीलाओं में श्रेष्ठ लीला है, उस राश लीला का मैं आनंद तुमको दूंगा। कामदेव ने जैसे सुना, बोले आज प्रभु असंख्य गोपियों के मध्य में राज करने जा रहे हैं, और गोपी को अभिमान कभी हो ही नहीं सकता। ये तो सब हम सभी को मार्ग दिखाने के लिए कि भक्ति करोगे और अभिमान करोगे तो भगवान नहीं मिल पाएंगे। हम जैसे गोपी जो एक एक छोटे छोटे से मटकी भर माखन के लिए कन्हैया को नचाते रहे, उस प्रेम को जब हमारे हृदय में अभिमान आया, तो तब हमारे अभिमान आते ही कन्हैया छोड़कर चले गए। ऐसे अगर जीव के मन में अभिमान आ गया तो फिर कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आज वो सभी गोपी जो है स्वयं दंडकारण्य वन में ऋषियों ने अनेक वर्षों तप किया, उन्हीं तप करने वाले ऋषियों से भगवान ने प्रार्थना की, हे प्रभु हम आपका दीदार करना चाहते हैं, आपके स्वरूप का वो आपके अंग अंग का दर्शन करना चाहते हैं। हे प्रभु, हे मुरारी, आज आप हमको ऐसा परम रस का आनंद दीजिए। वो दंडकारण्य वन के जो ऋषि हैं, वो गोपी बनकर ब्रज में आए, उसी प्रेम के कारण भगवान को प्राप्त कर पाए। भगवान जैसे राश लीला को प्रदत्त हुए, कामदेव ने कहा कि कृष्ण मैं तुम्हारा ऐसा मन व्यथित कर दूंगा। लोग कहते हैं कि भगवान ने गोपियां बनाई। आजकल हम भगवान की लीलाओं को बड़ा अनर्थ ले लेते हैं। अरे कृष्ण ने तो बड़ी गोपियां बनाई, बड़ी गोपियां बनाई, तो हम लोग भी ऐसे जीवन में कुछ ऐसे काम करें। लेकिन ये सिर्फ सिर्फ मूर्ख व्यक्तियों की बात है, क्योंकि कृष्ण की आयु 7 वर्ष की थी, और 7 वर्ष के बालक के अंदर काम वासना का लेश मात्र नाम भी नहीं रहता है। भगवान को कामदेव ने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर ऐसा पुष्प बाण छोड़ूंगा जो महादेव की समाधि को भंग कर देता है। ऐसा कामदेव तुम्हारे मन में ये जो गोपियां हैं ना, ऐसी काम वासना को उत्पन्न कर दूंगा। भगवान ने कहा सुनो, स्वर्ग की अप्सरा है ना, स्वर्ग की हजारों अप्सराओं को खड़ा कर दिया जाए और ब्रज की एक गोपी को खड़ा कर दिया जाए तो बराबरी नहीं कर सकते थे। और आज असंख्य गोपियों के मध्य में भगवान ने महाराज का प्रारंभ किया, लेकिन भगवान ने निश्चल प्रेम, अद्भुत प्रेम का जो प्रेम की पराकाष्ठा है, उस प्रेम की पराकाष्ठा में भगवान ने असंख्य गोपियों को रसो वह सहराशव उस महाराज का आनंद दिलाया। भगवान मुक्त हुए, सारे जितने भी देवियां हैं सब राश में आने को तैयार हुई। तो हमारे कैलाश पर्वत से पार्वती जी ने देखा कि आज हमारे कृष्ण कन्हैया भाई मानती थी नारायण भगवान को पार्वती जी, आज मेरे प्रभु उस लीला का आनंद करने जा रहे हैं, तो मैं भी जाकर उस लीला का आनंद लूंगी। तो देवी जी ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, बड़ा प्यारा श्रृंगार किया।
इधर बाबा भोलेनाथ ने कहा, अरे पार्वती आज तो बड़ी सज धज करके कहाँ जा रही हो, हमारी भांग कौन घोटेगा। पार्वती जी ने कहा आज खुद घोटो खुद पियो, हम घोटने वाले नहीं है। क्यों? बोले आज हम बड़े महत्वपूर्ण काम से जा रहे हैं। इतना महत्वपूर्ण काम कि हमसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण। जी हाँ, बोले तो हम वृंदावन में आज आपको पता नहीं भगवान कृष्ण महाराज करने जा रहे हैं। बोले कन्हैया महाराज करने जा रहे हो और मैं ना जाऊँ तो वो राज पूरा कैसे होगा, मेरे बिना तो कुछ काम ही पूरा नहीं हो सकता कन्हैया। तो बोले महाराज लेकिन महाराज में पुरुषों का जाना तो वर्जित है, कोई भी पुरुष जा नहीं सकता, तो यहाँ भी कोई नहीं जाएंगे। अभी जो लीला चल रही है ये वृंदावन धाम है, यहाँ पर हमारे बाकी बिहारी रास लीला करेंगे। अभी सब माताएं तो चलेंगी पर भाई बंधुओं को जाने को नहीं मिलेगा। अब महादेव ने कहा महाराज हमको तो जाने जाना है, चाहे कुछ भी करो। तो बोले गोपी बनो, गोपी बनना पड़ेगा तभी आप महाराज का आनंद ले पाएंगे। बोले गोपी कैसे बने? तो पार्वती जी ने कहा ऐसा करो, आप बढ़िया एक अपने जो लहंगा था तो पार्वती जी का लहंगा महादेव को तो आएगा नहीं, तो पार्वती जी ने एक बड़ा सुंदर साड़ी का लहंगा बना दिया और एक बड़ी सी चुनरी डाल दी, बढ़िया मेकअप शेकअप कर दिया, बाबा भोलेनाथ का गजरा लगा दिया बालों में, इतना सुंदर श्रृंगार किया। बोले मारा अगर बीच में ये काले काले नाग निकल पड़े तब हम क्या करेंगे, सारी गोपियां भाग जाएंगी महाराज